हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं स्वयं टुडे। आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन कॉलेज में, जो कि आइसोलेटेड है आईपी यूनिवर्सिटी से। आज यहां पर हो रहा है सिनिएस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि सिफी 2019। ये एक फिल्म फेस्टिवल है जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। कुल मिलाकर 13 कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पर आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मेनली डेकन यूनिवर्सिटी, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, उसके कोलैबोरेशन में हो रहा है ये फिल्म फेस्टिवल। ये फिल्म फेस्टिवल 17 से लेकर 20 अप्रैल तक हो रहा है। तो आइए, अंदर जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है इस फिल्म फेस्टिवल की, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की जा रही है। फेस्टिवल का पहला दिन है और आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर खालिद मोहम्मद। तो ये हैं जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक, स्क्रीन राइटर और फिल्म डायरेक्टर भी। तो आइए देखते हैं कि अंदर किस तरीके से इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर सिर्फ फिल्म फेस्टिवल ही नहीं हो रहा, बल्कि इस फिल्म फेस्टिवल में एक बहुत ही बड़े और आलिशान स्टूडियो का इनॉग्रेशन भी हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए इस कॉलेज में एक बहुत ही अच्छा स्टूडियो बनाया गया है। यहाँ पर एक रिसेप्शन डेस्क भी बनाई गई है जहाँ पर लोग अपनी क्वेरीज देख सकते हैं, अपनी क्वेरीज के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ की फैकल्टी जो है उनसे बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन डेस्क का पर्पस ही यही है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एक क्लैरिटी रहे कि जो भी हमारे फिल्म फेस्टिवल में चल रहा है, चाहे वो मूवी स्क्रीनिंग से रिलेटेड हो या वो मास्टर क्लास में एक लेक्चर लेने की बात हो, एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर इन दिस डेस्क। वी हैव मैनी स्टूडेंट्स, दे हैव वर्क्ड रियली हार्ड, एवरीथिंग इज़ सेटल्ड और ये इवेंट तो अभी अच्छा जा ही रहा है, और भी अच्छा होगा 4 दिन के टेन्योर में। आइए कुछ कोऑर्डिनेटर से भी बात करते हैं कि इस फिल्म फेस्टिवल में क्या क्या तैयारियां की गई हैं, किस किस तरीके से इस फिल्म फेस्टिवल को कवर किया जाएगा। आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सोनल। तो सोनल, किस तरीके से तैयारी की गई है, क्या क्या काम आप लोग कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, और इस वक्त हमारा इनॉग्रल चल रहा है और उसके बाद बैक टू बैक स्क्रीनिंग्स चलेंगी 2 वेन्यूज़ पे, ऑडिटोरियम और स्टूडियो। तो ये हो रहा है अभी। आपका नाम? रोहित। रोहित, आप क्या काम कर रहे हैं? मैं भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी डेस्क पे हूँ ऐसे तो, और बाकी कोऑर्डिनेशन काम भी मेरा है। बट यहाँ पे जो होने वाला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खालिद मोहम्मद की वर्कशॉप होने वाली है जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है। वो पेड है बट अच्छी है, तो हम कल वो 18th को वर्कशॉप है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। यहाँ पर हमारे साथ फैकल्टी मेम्बर भी हैं DME के, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद कामिल। तो सर, ये जो सिफी हो रहा है, इसमें क्या क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, सिफी की तैयारियां तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, हमने बहुत सारी प्लानिंग करी इसके लिए। 4 दिन का फेस्टिवल है। जनरली किसी भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज का फेस्टिवल देखेंगे उठा के, तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं होता है। बट हमने इसे 4 दिन का इसलिए फेस्टिवल करा कि हम इसमें बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, क्यूरेटेड सेशंस हैं, उनको रखें, क्योंकि फिल्में दिखाना एक जनरल ट्रेंड है, हर कोई दिखाता है फिल्म फेस्टिवल में। बट हम ये चाहते थे कि इन फिल्मों को किस तरह से बनाया जाता है, वर्कशॉप में उसको बताया जाए, इंडस्ट्री से लोगों को बुला के उनको हमने भेजा, इंडस्ट्री से लोगों को बुलाया ताकि वो लोग बता सकें कि किस तरह से फिल्मों पे काम होता है। स्क्रीन राइटिंग के लिए हमने खालिद मोहम्मद जैसे जो स्क्रीन राइटर हैं, जिन्होंने जुबैदा और फिज़ा जैसी मूवीज़ को लिखा है, उनको बुलाया है। तो बहुत कुछ है इन 4 दिनों में करने के लिए हमारे पास। तो आइए अब बात करते हैं उनसे जिन्होंने इस फिल्म फेस्टिवल का इनिशिएटिव लिया था, प्रोफेसर डॉक्टर सुष्मिता बाला मैम से बात करते हैं। आइए मैम, कैसा लग रहा है आपको, इतना अच्छा आपका ये जो फिल्म फेस्टिवल है वो हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये हमारा, जहाँ से हमने सोचना शुरू किया और अब इम्प्लीमेंटेशन का मौका आया है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जीक्यूशन इज़ वेरी गुड, बट इन 4 डेज जो भी होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ही होगा। और सारा हमारा एफर्ट्स, स्टूडेंट्स का एफर्ट, टीचर्स का एफर्ट, ऑब्वियसली मैनेजमेंट का एफर्ट, बहुत हमारे संग में सपोर्ट है, तो हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं।
तो ये हमने आपको दिखाया सिफी 2019 और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया गया है और ऐसे ही बाकी के 3 दिन भी ये प्रोग्राम चलने वाला है। हम आपको साथ साथ खबरें दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर फिल्म दिखाई जा रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर कहाँ कहाँ के गेस्ट आए हैं, किस तरीके से और तैयारियाँ की गई हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए स्वयं टुडे। मैं समीक्षा शर्मा, कैमरामैन शशि नेगी के साथ।